दिन क्या उन में देता है जैसे फीम छो होता है क्या उन तोर पहले पहले जिम करवा कर फीम लगानी है एम सिंह से डायलॉग ये डायलॉग वासन ये सुना गोइनत करियो ते मतलब जिम आद करियो ते फीम मछली के बदले इसने एक लिफाफा यहां से आप देख सकते हो उसको लगा बड़ी मछली पकड़ी मैंने लेकिन ये गंदा वाव सो नाइस ये आप देख सकते हो ये बेबी शीप है देखिए इनको सर्दी लग गई है ठंड है ना बहुत ज्यादा यहाँ गाइज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइज आज थर्ड डे ऑफ रमज़ान है तो इफ्तार में खाली बचे है मतलब एक घंटा बचा है इफ्तार में तो जब तक मतलब इफ्तारी क्लोज आ जाएगी तो नज़दीक आ जाएगी तब तक हम आपको दिखाएंगे अपना डल लेक और डल लेक हम आपको ऐसे दिखाएंगे कि मतलब रियल सीनरी ऑफ डल लेक दिखाएंगे तो बने रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं सीधे डल लेक में। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें एक शख्सियत मिली जो कि इसको अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि ये थकता नहीं है। शबीर सोफिन थका कि चाहे सो रोज देरी असिन ना यार मैं थकना थकने की बात ही नहीं है। रब ने दिया बहुत ताकत ताकत दिया बहुत शुक्र लाख लाख शुक्र अल्लाह का बहुत ताकत। शबीर सोफिन रोज दरते हाँ रोजा रखा कैद पर आई थी कार क्यों शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र अल्लाह का। तो शुद्ध है पाला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुल हाल अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी दौलत दीन क्या उन में देता है जैसे फीम छो होता है क्या उन तोर पहले जिम करवा कर फीम लगानी है एम सिंह से डायलॉग ये डायलॉग वासन ये सुना गोइनत करियो ते मतलब जिम आद करियो ते फीम ते से जो बेमनी के डायलॉग का सुना ना डायलॉग बताऊं रोज आज डायलॉग नहीं करना है। आज तो मैं श्याम है आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है कोटस जी था बट ये हम फोर शोर डल लेक गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो सीनरी वो जो आप देख रहे हो अस्तानी आलिया है माशाल्लाह सीनरी देखिए अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कश्मीर सेम। तो गाइस अभी इफ्तारी का कुछ टाइम बचा है तो हमने सोचा कि हम फोर शोर रोड पे जाएंगे थोड़ा सा वहाँ से टाइम स्पेंड करेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे डल लेक है ये फेमस जो कश्मीर का डल लेक है आप देख सकते हो वो अस्तानी आलिया वो वाइट वाइट देख रहे हो आप ये है अस्तानी आलिया गाइज ये है जो फेमस इसको कहते हैं ये है फेमस डक पार्क देख सकते हो यहाँ से गाइज कंस्ट्रक्शन चल रही थी आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ये बनाया गया है बैठने के लिए माशाल्लाह इसका छत देखिए बिल्कुल कश्मीर हैंडवर्क है ये आप देख सकते हो इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी और आप देख सकते हो ग्रीनरी आप देख सकते हो यहाँ से वाव वहाँ से वो जो आप देख रहे हो वो लोग ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं वहाँ से हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे तो बनी रही हमारे साथ। आज का ब्लॉग जो है कि बिल्कुल ही शॉर्ट ब्लॉग बनने जा रहा है क्योंकि हम अभी बोर हुए थे घर में तो इफ्तारी का वेट कर रहे थे आप देख सकते हो तो हम चल रहे हैं अभी। ये जो लोग यहाँ पे है ये फिशिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये आप नज़ारा देखिएगा यहाँ पे ज़रूर आएगा और टाइम स्पेंड करने का बेहतरीन जगह है ये यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं आप देख सकते हैं
यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ, ये आप देख सकते हो नज़ारा माशाल्लाह। और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, इफ्तारी करीब आ रहा है। मछली के बदले इसने एक लिफाफा यहाँ से आप देख सकते हो, उसको लगा बड़ी मछली पकड़ी मैंने, लेकिन ये गंदा लिफाफा है। ये आप देख सकते हो नज़ारा माशाल्लाह। यहाँ पे ज़रूर आइएगा और इस जगह का लुत्फ़ उठाइए। बिल्कुल हज़रतवल के करीब फोर्स रोड पे है, इसको कहते हैं डग पार्क, द फेमस डग पार्क। यहाँ पे भीड़ भीड़ उतना नहीं ज़्यादा होता है, लेकिन जब ईद होती है तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, आप लोग पूछ ही मत। तो गाइज़ अब हम फाइनली घर जा रहे हैं, टाइम कहाँ से निकला पता ही नहीं चला कुछ। यही है खसूसियत फोर्स रोड की, डल लेक की। आप देख सकते हो पीछे मेरे नज़ारा कितना अच्छा है, वाह सो नाइस। आप ईद के दिन यहाँ, हाँ लो जी गाइज़ हम अपने घर पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुँचे और इफ्तारी में बचे हैं सिर्फ 5 मिनट, और इन 5 मिनट में हम वजू करेंगे और इफ्तारी करेंगे, फिर मस्जिद नमाज हो जाएगी। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।